चिंची, ये सवारी है या है मजबूरी? कराची शहर में उसके शहर होने की वजह से हमेशा कोई ना कोई सवारी तो मौजूद रही ही है। कभी घोड़ा गाड़ी बहुत उम्दा सवारी थी और उसके होते हुए ही बसें और मोटरकारें सड़कों पर रवा दवा हो गईं। फिर ट्राम की शक्ल में एक नई सवारी ने कराची की सड़कों को बानौनक बना दिया। लेकिन घोड़ा गाड़ी के साथ साथ एक सवारी ऐसी थी जो शुरू दिन से ही कराची की सड़कों को जीनत बख्शती रही, वो था रिक्शा। आज के जदीद और तरक्की याफ्ता कराची में जहां बहुत सी नई सड़कें, नए नए अंडरपास और फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, होना तो ये चाहिए था कि लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलतें भी तमाम तर ना से ही, ज़्यादातर तो जदीद तर्ज की मिलनी चाहिए थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि कराची की नई नवेली और सजी सजाई सड़कों पर एक नए अंदाज की अजीब व गरीब सवारी नज़र आने लगी। चिंगची का जहूर कराची शहर में 2001 में हुआ। इसकी आमद कैसे हुई, कौन इसे कराची शहर में लेकर आया, ये चिंगची आखिर बनता कहाँ है, इसे बनाता कौन है? हमने 2001 से ये चिंगची का सिलसिला यहाँ पर कराची में शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में इस वक्त 8 से 10 हज़ार चिंगची रिक्शे कराची में चल रहे हैं और पब्लिक को सस्ती सफरी सहूलत पहुंचा रहे हैं। ये जो यूनिट बनता है, एक इसमें दो किस्म की मोटर बाइक लगती है, एक 100 cc है और एक 70 cc है। आजकल ज़्यादातर 70 cc लगी हुई हैं। बाइक का वज़न जो है वो तकरीबन 82 किलो होता है और जो बॉडी है उसका वज़न 165 kg होता है, और इसमें अगर 100 cc का बाइक लगाएं तो उसका वज़न 98 kg होता है। फिज़िकली जो टायर है वो आम वही जो वेस्पा, जो पुरानी वेस्पा हमारे पास चलती थी, वही टायर इसमें यूज़ होता है। अखराजात वही मिनिमम अखराजात हैं, जितने एक बाइक की मेंटेनेंस के अखराजात हैं उतने इसके मेंटेनेंस के अखराजात हैं। इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है, पूरा इंजन ओवरऑल भी कराएं तो जितना बाइक में 2500-3000 रुपये खर्च आता है इसमें भी वही खर्च आता है। थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है कि लोग जो है रोज़ाना, जब ड्राइवर जो है प्रॉपरली अगर थोड़ा सा उसको ट्रेनिंग दे दें, रोज़ाना गाड़ी बंद करने से पहले जितने भी नट वगैरह हैं और तेल है उसको आयनिंग कर दे, नटों को थोड़ा सा टाइट वाइट कर दे, तो ये 6 महीने साल तक इतना ज़्यादा काम नहीं मानती है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ासतौर पर ड्राइवर को। शुरू से ही हमें बहुत सी मुश्किल थी कि हम इलीगल है इस तरह की, और फिर हमारे पास दूसरे लोगों का, इंतजामिया का दबाव, ट्रांसपोर्ट वालों का दबाव बहुत ज़्यादा हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक एसोसिएशन बनाई जिसका काम ये था कि हम किसी तरीके से भी अपने इस चिंची के कारोबार को कानूनी ज़ुमरे में लेकर आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लीगल वे में चल रहे हैं और हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसको जो है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर चिंची को शामिल कर लिया है। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। हम चाहते तो हर रूट पे इसको चला सकते हैं और अभी भी चला सकते हैं और पहले भी चला सकते थे, लेकिन हमने इंतजामिया को और वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब से पहली मीटिंग में हमने ये कहा कि हम इसको लीग रूट पर चलाएँगे, और उस लीग रूट का मतलब ये था कि जो कि मेन रोड को और अंदर के रूट को मिलाएगा। इन्होंने भी इस लिंक रूट का मतलब गलत ले लिया और हमें मेन रोड पे आने से पाबंद कर दिया गया कि हम पाबंद मेन रोड पे नहीं आ सकते। इस वक्त ये दोनों ही सूरत हाल हैं, ये ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। ज़रूरत और मजबूरी इस वजह से कि कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला है, पब्लिक की डिमांड बहुत है और उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी चिंची ने बहुत हद तक, बल्कि मैं तो कहता हूँ काफ़ी हद तक हमने ये ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम थी उसको हल कर दिया है।